आप देख रहे हैं न्यूज़ बन इंडिया, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जो आज 30,000 गन्ना किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। 30,000 गन्ना किसानों को बड़ी सौगात आज सीएम योगी देंगे, बड़ी खबर है इस पक्की। मुंडेरवा चीनी मिल के पराई सत्र का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे चीनी मिल और पावर जनरेशन प्लांट का लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम के बाद, और कई और योजनाओं का भी लोकार्पण आज सीएम योगी ने करना है, परियोजनाओं का लोकार्पण आज करना है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत चीनी निगम के कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम पद संभालने के बाद सीएम योगी ने मिल को पुनः चलाने के निर्देश दिए थे। आज 30,000 गन्ना किसानों को बड़ी सौगात सीएम योगी देने जा रहे हैं। मुंडेरवा चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सीएम दोपहर 12 बजे चीनी मिल और पावर जनरेशन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम के बाद सीएम मिल परिसर में ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साल 1998 में तत्कालीन सरकार ने अपरिहार्य कारणों से इस मिल को बंद किया था, लेकिन अब जबकि सीएम योगी ने इसको दोबारा से चालू करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब इसका कामकाज तमाम पूरा हो चुका है। साल 1932 में माधव महेश शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड मुंडेरवा की 7 एकड़ में स्थापना हुई। 84 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया। साल 1989 में मिल को विस्तार देने के लिए अगल बगल की जमीनों का भी अधिग्रहण हुआ। साल 1998 में तत्कालीन सरकार मिल के घाटे में चलने के कारण इसको बंद करने का फैसला लेती है। साल 2017 में सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ ने मिल को पुनः चलाने की घोषणा की। 1932 में माधव महेश शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड मुंडेरवा की स्थापना हुई। राघवेंद्र सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। राघवेंद्र, बरसों से बंद पड़ी मिल का शुभारंभ आज कर रहे हैं सीएम योगी, आज उनके आगमन को लेकर, इस मिल के शुभारंभ को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह? आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री के इस फैसले को लोगों ने सराहा है, उनके इस फैसले पर लोगों ने उनको हाथों पर लिया है, क्योंकि ये बरसों से बंद पड़ी चीनी मिल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में ही कहा था कि हम हमारी सरकार बनेगी तो इस मिल को मैं पुनः चालू कराऊंगा, और आज उन्होंने 400 करोड़ की लागत से बन रही चीनी मिल को उन्होंने आज इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, और आज वो चालू होगी, जनता के बीच जाएगी। इस बस्ती को पहले चीनी का कटोरा कहा जाता था इस बस्ती जिले को, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, कुछ सरकारों के द्वारा इस बस्ती को, इस कटोरे को, बस्ती जिले को मिल खाली कर दिया गया था, कटोरा खाली कर दिया गया था। यहाँ की जनता दुखी थी, अब जनता की जो गाड़ी कमाई गन्ना से आती थी, अब उस गाड़ी कमाई फिर से आनी चालू हो जाएगी, बस्ती हमारी फिर से खुशहाल हो जाएगी, फिर से वही बस्ती के लोग फिर से रुपया उनकी आय दुगनी हो जाएगी, जिस तरह गन्ने की फसल से लोग आय दुगना करते थे। मतलब बस्ती में इस चीनी मिल के शुरू होने के बाद, इसमें पिराई शुरू होने के बाद एक नई इबारत विकास की लिखी जा सकेगी। हाँ, ये आपको कहीं ना कहीं नई इबारत लिखने की ही बात हो रही है, लेकिन इससे पहले भी अभी इसी सरकार में एक मिल बवनान की मिल बंद हुई है, अगर वो भी चालू हो जाती है तो उधर का बवनान एरिया और सिद्धार्थनगर डुमरियागंज तक का एरिया, वो बवनान मिल कवर करती थी, उसको भी गन्ना विकास मंत्री से कल संजय प्रताप जायसवाल ने कहा है, उन्होंने कहा है हमारी प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, उसको भी हम लोग बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि किसानों की जमीन है, किसानों की धरती है, और इसी किसान के बेटे हम लोग हैं, इसलिए इस मिल को हम लोग बंद नहीं होने देंगे, इसको भी चालू कराएंगे, जिससे हमारी इस देश के ये पूर्वांचल, ये गोरखपुर प्रांत की धरती है, इसको हम फिर से हरा भरा करेंगे। ये संकेत दे रहा है, यहाँ के लोगों में भारी उत्साह है, यहाँ से गांव के लोग भी वहाँ मुंडेरवा चीनी मिल पर पहुंचे हैं भारी संख्या में। राघवेंद्र, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। वाणिज्य कर कमिश्नरी के उपलक्ष्य में दरअसल इसी विभाग को लेकर बैठक होने जा रही है, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक होगी। वाणिज्य कर ज्वाइंट कमिश्नरों की समीक्षा बैठक, विशेष अभियान चलाकर व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
31 दिसंबर तक 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए। व्यापारियों और व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से बैठ के सुनिश्चित हूँ व्यापारियों के पंजीकरण और राजस्व वृद्धि के हर संभव प्रयास किए जाएं। सीएम योगी के निर्देश रहे। समीक्षा बैठक के दौरान विशेष अभियान चलाकर व्यापारियों के पंजीकरण में तेजी लाने के निर्देश हैं। 31 दिसंबर तक 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए। व्यापारी और व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ अनिवार्य रूप से बैठ के सुनिश्चित हों व्यापारियों के पंजीकरण और राजस्व वृद्धि के हर संभव प्रयास किए जाएं। अधिकारियों के कार्यों का आकलन परफॉर्मेंस के आधार पर हो। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। एसके, विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ खास राय समीक्षा बैठक के दौरान? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अपने दौरे से वापस आने के बाद वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक करने के बाद दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए थे कि किस तरीके से चीजों को किया जाए। जहां बड़े पैमाने पर अभी जो है अभियान धीमा चल रहा है, जिसमें विशेष अभियान चलाकर जीएसटी में व्यापारियों के पंजीकरण कराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। 31 दिसंबर तक 25 लाख व्यापारियों के पंजीकरण को सुनिश्चित कराने के लिए सीएम ने कहा कि जो भी व्यापारी हैं उसमें एक अभियान चलाया जाए और 25 लाख व्यापारियों का इसमें पंजीकरण हो। साथ ही साथ व्यापारी और व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ जो बैठकें हैं वो अनिवार्य रूप से एक निश्चित समयबद्ध तरीके से की जाए। साथ ही साथ किस तरीके से राजस्व में वृद्धि हो उस पर अधिकारी काम करें और अपनी जो है अधिकारियों का जो फीडबैक है वो परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल वाणिज्य विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसमें विभिन्न चीजों को लेकर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी की गए थे। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और उस बार सीरियल किलर सोहराब की गिरफ्तारी हुई है, होटल से सोहराब की गिरफ्तारी हुई है और एक बड़ी अचीवमेंट है ये। पुलिस अभिरक्षा में सीरियल किलर की ऐश लगातार चल रही थी। दिल्ली पुलिस अभिरक्षा में होटल में ऐश कर रहा था सोहराब। कानपुर में पेशी के बाद आज लखनऊ में इसकी पेशी। दरअसल ये लगातार मामला सुर्खियों में उस वक्त आया जब सोहराब को 5-स्टार होटल में तमाम सेवाएं दी जा रही थी। श्री होटल के स्टैंड संचालक सोनू रावत ने 3 कमरे बुक किए थे बिना आईडी के। होटल के 3 कमरे 201, 202 और 206 बुक कराए गए थे। होटल के 2 कमरों में रुके थे दिल्ली पुलिस के 6 पुलिसकर्मी और एक के साथ ये एक कमरे में ये काट रहा था ऐश। होटल के कमरे में 206 में अपनी पत्नी और बहन के साथ रुका था सोहराब। एसपी वेस्ट की टीम ने गैंगस्टर सोहराब को होटल में ही धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के एक ASI, एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल भी हिरासत में। कानपुर में पेशी के बाद सोहराब को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची थी लखनऊ। लखनऊ पुलिस को बिना सूचना दिए सोहराब को पार्टी करवा रही थी दिल्ली पुलिस। एसके वाजपेयी हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये सोहराब है जो कि सीरियल किलर है। इसके ऊपर हत्या और साथ ही साथ अन्य कई मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर इसको कल दिल्ली में बंद है और दिल्ली की पुलिस इसको पेशी पर लेकर कानपुर आई थी, क्योंकि कल कानपुर में इसकी पेशी थी और आज लखनऊ की कोर्ट में इसकी पेशी है। लेकिन जब कानपुर की पेशी होने के बाद इसको दिल्ली पुलिस लेकर लखनऊ पहुंच गई और एक सी होटल है, उस होटल में 3 कमरे बुक किए गए, जिसमें 2 कमरे पुलिसकर्मियों के लिए थे, साथ ही साथ एक कमरा इस सीरियल किलर के लिए बुक किया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस इनको लेकर रात में कहीं रुकना चाहती थी तो इसको एक अलग कमरा दिया गया कि अगर वो भागना चाहे तो वो भाग भी सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत थी। लखनऊ पुलिस को इस चीज की जानकारी भी नहीं दी गई कि किसी अपराधी को लेकर दिल्ली पुलिस
किसी होटल में रुक रही है, जबकि इस तरीके के अपराधी को रात में लेकर रुकने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने किसी तरीके की सूचना लखनऊ पुलिस को नहीं दी, जिसके बाद जब मुखबिर की सूचना पर लखनऊ पुलिस को इस बारे में जानकारी हुई तो तत्काल एसपी वेस्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने फोर्स के साथ इस अपराधी को गिरफ्तार किया, साथ ही साथ छह जो पुलिसकर्मी है दिल्ली के उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। और इस अपराधी के कमरे से इसकी पत्नी और साथ ही साथ इसकी माँ और बहन भी मौके से मिली है, जिनको भी पुलिस हिरासत में ली है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां अभी गोरखपुर से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जहां कहीं ना कहीं पेशी के दौरान पुलिसकर्मी अपराधियों को होटल में ऐश कराते पकड़े गए थे, तो ये दूसरा मामला है कि दिल्ली पुलिस के ये जो सिपाही हैं इस अपराधी को होटल में ऐश कराते हुए पकड़े गए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जरूर है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि किस तरीके से पुलिस पेशी के दौरान अपराधियों को कहीं ना कहीं जरूर हम कहें तो ऐश कराती है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें लखनऊ और गोरखपुर से आई हैं निश्चित तौर पर ये तस्वीरें पुलिस की कहीं ना कहीं सच्चाई को जरूर खोलती है। जी चलिए, आज के बहुत ही शुक्रिया। देखिए, दिल्ली पुलिस की कारगुजारियां भी कई दफा चर्चा का विषय बनती हैं। इस बार भी एक सीरियल किलर को लेकर होटल के रूम में रुकना और उस होटल के रूम में उसके परिवार वालों को उसके पास छोड़ना, ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस सीरियल किलर की आओ भगत में जुटी हुई है। सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इत्तला किए बगैर यहाँ एक सीरियल किलर को लेकर रुकी हुई थी दिल्ली पुलिस। होटल के कमरे में 206 में अपनी पत्नी और बहन के साथ सोहराब रुका हुआ था। एसपी वेस्ट की टीम ने गैंगस्टर सोहराब को होटल में धर दबोचा। प्रदूषण की समस्या से निजात नहीं मिल रही। संसद में भले ही प्रदूषण को लेकर चर्चा चल रही हो, दिल्ली भले ही इस प्रदूषण के लिए केंद्र माना जा रहा हो, लेकिन इस बीच दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण फिर से दिक्कतें बढ़ा रहा है। दिल्ली के ही कई इलाकों में AQI 300 पार गए अभी भी। नोएडा में यही AQI 438 के खतरनाक स्तर पर है। ग्रेटर नोएडा में AQI है 412, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति है। गाजियाबाद में AQI 364 के खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। तेज हवाओं के कारण अभी हाल ही में AQI थोड़ा कंट्रोल में आया था, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था, लेकिन एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। देखिए, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इस बीच एक तस्वीर अब हम आपको ऐसे दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि गाजियाबाद प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं मुरादनगर थाना क्षेत्र की नहर के पास पुराने बिजली घर का ये नज़ारा, जहां नगर पालिका ही कूड़ा जला रहा है। बिजली घर के पावर प्लांट को नुकसान हो सकता है, इससे बड़ा कूड़े में लगी आग से उठता धुआं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना है। बिजली विभाग अधिकारियों का कहना है कि कई बार नगर पालिका अधिकारियों से इस बारे में शिकायत के बावजूद नगर पालिका बाज नहीं आ रहा। कूड़े में लगी आग से उठते जहरीले धुएं से मुरादनगर वासियों को सांस लेने में मुश्किल हो रही। दूसरी बात है कि बिजली घर के पास देखिए ये कूड़ा यहाँ पर जलाया जा रहा है, जिससे और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। सोचिए, दो तरह के बड़े हादसे हो सकते हैं यहाँ पर। एक, बिजली घर में पास में देखिए जिस तरह से कूड़ा जलाया जा रहा है, अगर ये आग यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये आग न जाने कितनों को अपनी आगोश में ले सकती है, यहाँ न जाने कितने ही लोग इसे चपेट में भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जानते हुए कि AQI का स्तर इस वक्त क्या है, जहाँ नगर पालिका को और ज़्यादा सचेत होना चाहिए, वही नगर पालिका धज्जियाँ उड़ा रही है खुद ही नियमों की। गौरव यादव हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। गौरव, नगर पालिका की ये लगातार जो हरकतें हैं वो लोगों के लिए जी का जंजाल बनी है, लेकिन नगर पालिका पर ऐसी हरकतों के बाद एक्शन कब? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है उससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि नगर पालिका की लापरवाही है, और नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं उनकी बड़ी लापरवाही है कि
इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतर है, पॉल्यूशन स्तर बिल्कुल खराब हो चुका है, उसके बावजूद कूड़े में आग लगाना यानी कि एक तरह के सर ना सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ करना बल्कि जो कर्मचारी विद्युत विभाग के वहां पर काम करते हैं उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं ये लोग, जिससे कि वहां पे हाई एक्सटेंशन लाइनें हैं उनमें कभी आग लगती है तो अचानक से वहां जितने भी लोग वहां कर्मचारी हैं उनकी भी जान मान पर बनाएगा। उसके बावजूद जो इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कार्रवाई करने की बात तो कह रहे हैं लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस आग लगाने के पीछे किसका हाथ है, तो उस सब की साक्ष्य इकट्ठा करने की पुलिस जो नगर निगम नगर पालिका के ईओ है उनका कहना था कि हमें अभी साक्ष्य इकट्ठा करना, साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद सक्षम कार्यवाही भी की जाएगी। जी चलिए गौरव, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इस बार 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया है, यूपी एसटीएफ और पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने यूपी एसटीएफ और थाना सेक्टर 24 पुलिस टीम पर फायरिंग की, एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बदमाश की पहचान हमीरपुर के मेहर गनी उर्फ मेहरबान सिंह के रूप में हुई है, जवाबी फायरिंग गोली लगने से घायल हुआ है बदमाश। बदमाश की पहचान मेहर गनी के रूप में है, 50,000 का इनामी बदमाश है मेहर गनी। यूपीएसटी पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान में मेहर गनी की गिरफ्तारी हुई, 50,000 का इनामी बदमाश है मेहर गनी। एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें बदमाश को गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया है। इस बदमाश की पहचान मेहर गनी जो कि थाना राठ जनपद हमीरपुर का रहने वाला है के रूप में हुई है। इस पर जनपद प्रयागराज से 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था और ये वर्ष 2008 से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था और वर्ष 2008 से लगातार फरार चल रहा था। वर्ष 2005 में इसने जनपद प्रयागराज में थाना मुट्टीगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्चे की निर्मम हत्या की थी और जिसमें इसे माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2005 में भी इसने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया था और सिपाही की राइफल छीनकर उसके साथ मारपीट की घटना घटित की थी जिसमें वो आरक्षी गंभीर रूप से घायल हुआ था और कोमा में चला गया था, बाद में उपचाराधीन रहकर ठीक हुआ। ये एसटीएफ उत्तर प्रदेश की एक बड़ी कामयाबी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।